मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, कुछ लोगों का ये कमेंट है कि पाकिस्तान में हमारी पार्टी इससे बड़ा जलसा कर लेती है, ये कहना बनता है? ओवरसीज पाकिस्तानी खुद आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराई है कि वो जो मर्जी कह लें, मैं जिस तरह कहता हूँ कि कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि उन्होंने तनकीद करनी है, उन्होंने इसलाह नहीं करनी और उनका काम ही तनकीद करना है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो जलसा वहाँ पर किया है, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका की हिस्ट्री में किसी गैर मुल्की ने या किसी भी गैर मुल्की वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा जलसा किया है? मियां नवाज शरीफ भी वहाँ पे जा चुके हैं, पाकिस्तान के दीगर जो हमारे जुम्मेदारान थे वो भी वहाँ पे जा चुके हैं। तो वहाँ पर गैदरिंग क्या होती थी, 400 500 मैक्सिमम 1000, ये एक गैदरिंग होती थी जिससे ये खताब करते थे और उसके बाद ख़त्म हो जाता था। कल का दौर, कल का इमरान खान का खताब जो है वो पाकिस्तान की आवाज़ थी। देखिए, उन्होंने एक पाकिस्तानी, उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा कि मैं यहाँ पर आपके इज़्ज़त का सौदा नहीं करूँगा, ना मैं खुद झुकूँगा ना आपको झुकने दूँगा। ये एक बहुत बड़े अल्फाज हैं। आप अमेरिका में जाकर, उस सुपर पावर के मुल्क में जाकर जब ये बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ गए होते हैं। और ध्यान में रखिएगा, नाकदीन आज बहुत बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी जलसा पाकिस्तान में इतना बड़ा कर लेंगे तो मुझे करके दिखाएं। मुझे याद है कि जो लाहौर में जलसा करते थे, अगर 5000 कुर्सी लगती थी तो फिर मीडिया को ब्रीफ किया जाता था, जनाब कहें कि 50,000 कुर्सी है, जनाब कहें इतने लाखों लोग हैं। वहाँ पर तो एक हाल है, वहाँ पर तो एक बुकिंग थी, वहाँ पर सीट्स के नंबर लगे हुए थे, बिल्कुल क्लियर था, और जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी थे। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लोगों ने वहाँ पे कहा कि हमें खड़ा होने दें, हम हॉल के अंदर खड़े हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी की वजह से आपको खड़े नहीं होने देंगे। तो कल तो वहाँ ऐसा लग रहा था जिस तरह 14 अगस्त का दिन है और लोग तराने गा रहे थे, पाकिस्तानी लोगों ने झंडे पकड़े हुए थे, पाकिस्तानी झंडों का लबास पहना हुआ था, जीवे जीवे पाकिस्तान पर नारे लग रहे थे। दूसरा मुद्दा एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि नाकदीन इसलिए बड़े परेशान हैं कि ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, इसमें DGISI भी साथ हैं, इसमें आर्मी चीफ भी साथ हैं, और ये एक पैगाम अमेरिका को गया कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर है, और जो बात की जाएगी वो ये नहीं होगा कि वहाँ पर जाके कोई हमारा हुक्मरान ये नहीं रोएगा जनाब कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने देती, बल्कि ये पहला एक ऐसा विजिट होगा जिसमें ये तासर क्लियर हो के गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, दोनों एक ही पेज पे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के बल्कि जनूबी एशिया के तमाम खित्ते में अमन की बात हो, तो पाकिस्तान की जमहूरी और पाकिस्तान की फौजी क्यादत जो है वो एक पेज पर है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ बेहतर तालाकात चाहता है, अगर अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम रहे, अगर अमेरिका चाहता है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर जो असल जो चीज़ें हैं वो के सुकून के साथ, अमन के साथ सब कुछ हो, तो फिर उसको पाकिस्तान की क्यादत जो गई है वहाँ पर यह सब कुछ बता के, वादा करके और उनसे तमाम चीज़ें अपनी मनवा कर भी आएगी, क्योंकि आर्मी चीफ मुलाकात में मौजूद होंगे, वहाँ पर DGISI मुलाकात में मौजूद होंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात में मौजूद होंगे, और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो टॉप हमारी फौजी क्यादत है पेंटागन से भी मीटिंग कर रही है, पेंटागन से भी मिल रही है। ऐसा नहीं होता था पहले, पहले जो भी मुलाकातें होती थी इस तरह ओपन नहीं होती थी, पहले इस तरीके से जमहूरी और फौज के जो हुक्मरान थे इकट्ठे नहीं जाते थे।